दोस्तों जैसे आप अपने मोबाइल का इंटरनेट ऑन करते हैं, आप कोई भी ऐप जैसे ही खोलते हैं, एक्स वाई जेड, आप यूट्यूब चलाते हैं, कोई भी ऐप खोलते हैं, कहीं पर भी आप टाइपिंग करते हैं, मैसेंजर पर कोई एक्स वाई जेड हो गया, वहां पे आपको प्लीज़ चेक योर नेटवर्क कनेक्शन का एक एरर आपको शो हो रहा है। क्या आप भी जानना चाहते हैं हाउ टू फिक्स प्लीज़ चेक योर इंटरनेट कनेक्शन? तो दोस्तों इस प्रॉब्लम को आप कैसे फिक्स करेंगे आज की इस वीडियो में आपको बताने वाला हूँ। अगर आप ये वीडियो पूरी देख लेते हैं तो आपके जो भी ऐप में ये प्रॉब्लम आ रही है उसे मैं फिक्स कर दूंगा बिल्कुल इजीली तरीके से। तो चलिए चलते हैं, बताते हैं। वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक करना है, चैनल पे नए आए हो तो चैनल को सब्सक्राइब करके ऑल नोटिफिकेशन बेल आइकन को दबा देना है, क्योंकि जब भी मैं यहाँ पे कुछ इस तरह की लेटेस्ट वीडियो लेके आऊँ तो उसका नोटिफिकेशन सबसे पहले आपके फोन में मिल जाना चाहिए। चलिए चलते हैं, इसके प्रॉब्लम को कैसे फिक्स करना है। सबसे पहला तरीका बता देता हूँ, आपके फ़ोन में ये एरर आ रहा है तो सबसे पहला तरीका है, आप ऊपर से नीचे की तरफ नोटिफिकेशन बार को खींचेंगे, यहाँ पे आपको मिलेगा एरोप्लेन मोड। जैसे कि आप यहाँ देख सकते हैं, ये देखो एरोप्लेन मोड, बस इसी पे आपको एक बार टैप करना है। जैसे ही आप यहाँ टैप करेंगे आपका एरर सही हो जाएगा। फिर भी सही नहीं हो रहा है फिर आपको क्या करना है, सिंपल से आपको सेटिंग के अंदर जाना है। सेटिंग के अंदर जाएंगे, यहाँ पे आपको मिलेगा सिम कार्ड एंड मोबाइल डाटा, ठीक है। अब यहाँ पे जिस भी सिम में ये एरर आपको देखने के लिए मिल रहा है, बेसिकली दोस्तों जिस सिम में इंटरनेट आपका चल रहा होगा उसी में आपको एरर देखने के लिए मिल रहा होगा, उसी सिम को सिलेक्ट करेंगे और यहाँ पे आपको मिलेगा डाटा रोमिंग, इसे आपको ऑन इस तरीके से कर लेना है, वोल्ट कॉल ऑन करना है, वाईफाई कॉलिंग आपको बंद कर देनी होगी, ठीक है। यहाँ पे आपको मिलेगा नेटवर्क टाइप, यहाँ पे आपको LTE मोड आपका हो सकता है ओनली LTE मोड, वो आपको ऑन कर लेना होगा। अगर नहीं है वो तो आपको यहाँ पे 4G 3G 2G ऑटो पे आपको सिलेक्ट कर लेना होगा। नीचे की तरफ आपको मिलेगा एक्सेस पॉइंट नेम्स, इस पर क्लिक करके आपको जो सेटिंग APN सेटिंग होती है उसे आप डिफॉल्ट कर देना होगा। कैसे करेंगे, रीसेट एक्सेस पॉइंट, आप जैसे क्लिक करेंगे रीसेट एक्सेस पॉइंट पे क्लिक करेंगे ये सेटिंग अपने आप ही स्वतः ही डिफॉल्ट हो जाएगी और आपका इंटरनेट का इशू सही हो जाएगा। अब नीचे की तरफ मिलेगा आपको ऑटो सिलेक्ट का ऑप्शन, ये देखो यहाँ पे इसे आपको ऑन करना होगा। ऑन करेंगे उसके बाद कुछ नहीं करना फ़ोन के अंदर, बस बाहर निकलना है। मोबाइल को एक बार स्विच ऑफ करके ऑन कर लीजिए, आपका एरर सही हो जाएगा, ठीक है। अब दोस्तों एक चीज़ और मैं बता देता हूँ, जैसे कि दोस्तों आपकी किसी भी ऐप में एरर आ रहा है तो आपको क्या करना है, कोई एक्स वाई जेड ऐप हो गया, जैसे कि यही ऐप है, इसको हमने दबा के रखा, उस ऐप को आपको दबाना है, ऐप उनको इन्फो खुलेगी इस तरीके से, उसे आपको यहाँ से फोर्स स्टॉप करना है, स्टोर यूज पे क्लिक करके उसका आपको क्लियर कैच करना है, क्लियर डाटा बिल्कुल भी नहीं करना, नहीं तो आपको अकाउंट फिर से बनाना पड़ेगा। परमिशन पे क्लिक करके सभी परमिशन आपको अलाउ कर देनी होगी, ठीक है, डेनी होंगी आपको, डेनी नहीं यहाँ पे अलाउ कर देनी होंगी सभी, ठीक है। तो चलिए यहाँ पे हम अलाउ कर देते हैं, अलाउ आपको कर देनी होगी, अलाउ करने का दोस्तों यहाँ पे आप बाहर निकल आएंगे, ठीक है, इस तरीके से। अब दोस्तों आपकी प्रॉब्लम फिक्स हो जाएगी, कोई दिक्कत आपको नहीं आएगी। फिलहाल के लिए इस वीडियो में इतना ही, आपकी प्रॉब्लम फिक्स हो गई होगी, अगर नहीं हुई है तो आप हमें इंस्टाग्राम पे अपनी प्रॉब्लम का स्क्रीनशॉट भेज सकते हैं, इंस्टाग्राम आईडी है ऑफिशियल बिमनेश। बहुत बहुत धन्यवाद यहाँ तक आने के लिए।